नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णमूर्ति आप सभी का स्वागत करता हूं लर्निंग मिरर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम सब जानेंगे कि आपके एक्सिस सिक्योरिटीज में जो अमाउंट है वो निगेटिव क्यों दिखा रहा है और उसको सेटलमेंट कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करें, अपना एक्सिस सिक्योरिटीज जो है वो लॉग इन कर लें। लॉग इन करने के बाद कुछ इस तरह का आपका पेज दिखाई देगा एक्सिस सिक्योरिटीज का। आपको जाना है, यहाँ पे थ्री बार दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे देखिए आपको लिमिट का ऑप्शन आ रहा होगा। इस लिमिट के ऑप्शन यहाँ पे प्लस का साइन दिख रहा है, इस प्लस के साइन पे क्लिक करना है आपको। तो जैसे ही आप प्लस के साइन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए आपको फंड लिमिट्स दिख रहा होगा यहाँ पे, तो फंड लिमिट्स पे क्लिक करना है आपको। तो यहाँ पे देखिए जो मेरा टोटल लिमिट है वो -610 है, मतलब 610 रुपीज का मेरा निगेटिव बैलेंस है। और बहुत से लोग पूछते हैं कि ये निगेटिव बैलेंस आता क्यों है। तो दोस्तों, एक बात का ध्यान रखें, अगर आपका अमाउंट जो है आपके चार्जेस से कम है तो ये जो बैलेंस है आपको निगेटिव दिखाएगा। अगर मान लो आपके अकाउंट में 1000 रुपीज है और आपने ब्रोकरेज जनरेट कर दिया है 2000 रुपीज का, तो आपको 1000 रुपीज यहाँ पे टोटल लिमिट माइनस दिखाई देगा। तो ये बात का ध्यान रखेंगे। अगर मान लो आपके अकाउंट में 10000 रुपीज है और आपने 10000 रुपीज का लॉस कर दिया, उस लॉस में कुछ तो ब्रोकरेज गया होगा एक्सिस सिक्योरिटीज को, तो वो जो ब्रोकरेज है आपका वो यहाँ पे माइनस दिखाएगा, क्योंकि आपने आपके अकाउंट में 10000 था और आपने 10000 का लॉस कर दिया। तो जो भी ब्रोकरेज और गवर्नमेंट टैक्स होगा वो यहाँ पे आपको माइनस दिखा देगा। तो यहाँ पे जो मेरा 610 रुपीज दिखा रहा है वो जो है मेरा AMC चार्ज है, अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज, जो कि आपको हर साल एक्सिस सिक्योरिटीज ऑलमोस्ट 900 रुपीज लेती है, 750 रुपीज प्लस GST। तो ये बात का ध्यान रखेंगे। तो लगता है मेरे अकाउंट में पैसे नहीं होंगे, इसलिए यहाँ पे ये माइनस दिखा रहा है। तो माइनस दिखा रहा है उसका मतलब आप समझ गए। अगर आपका ये माइनस दिखा रहा है मतलब आपके बैंक में जो है फंड्स कम है और यहाँ पे जो आपका चार्जेस है वो ज्यादा हो गया है, इसीलिए यहाँ पे आपको माइनस दिखा रहा है। तो इसको सेटलमेंट कैसे करना है, तो इसके लिए आप क्या करें, फिर से थ्री बार पे क्लिक करें। जैसे ही आप क्लिक करेंगे फिर से लिमिट्स पे चले आए। लिमिट्स पे आने के बाद यहाँ पे देखें फंड होल्ड का ऑप्शन आ रहा है आपको, तो फंड होल्ड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही फंड होल्ड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आपका ट्रेडिंग अकाउंट नंबर यहाँ दिखाई देगा, आपका बैंक यहाँ दिखाई देगा। एक बात का आप ध्यान रखेंगे दोस्तों, अगर आपका बैंक एक्सिस बैंक है तो ऑटोमेटिक आप यहां से फंड होल्ड कर सकते हैं। अगर कोई दूसरा बैंक है तो आपको जो है ट्रांसफर करना होगा पैसा, क्योंकि एक्सिस बैंक जो है, एक्सिस सिक्योरिटीज जो है वो ऑथराइज नहीं है दूसरे बैंक से पैसे निकालने के लिए आपके। तो यहाँ पे एक्सिस बैंक ही है मेरा एक्सिस सिक्योरिटीज है और मैंने एक्सिस बैंक ही अपना लिंक कर रखा है। यहाँ पे देखें एक्सिस बैंक लिमिटेड जो है बैंक नेम है, तो ये जो है मेरा दोनों एक्सिस ही है। तो मैं यहां से फंड होल्ड कर सकता हूँ बिना किसी ट्रांसफर के या नेट बैंकिंग के। तो ये बात का ध्यान रखेंगे। अगर आपको फंड देखना आपके बैंक में कितने, तो यहाँ पे देखें गेट बैंक अमाउंट है यहाँ पे, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पे देखें आपको अमाउंट जो है वो दिख जाएगा। इसके बाद आप ओके कर दें, मतलब आपके पास सफिशियंट बैलेंस है जो माइनस है उसको मेकअप करने के लिए। तो यहाँ पे आप ओके कर दें। इसके बाद जो है यहाँ पे अमाउंट फॉर होल्ड, यहाँ पे आपको जो भी अमाउंट पुट करना है वो डाल दें, जो भी आपको ट्रेडिंग के लिए करना है। तो यहाँ पे आप डालेंगे, मान लो मैं 1000 रुपीज अभी ऐड कर रहा हूँ, मैंने 1000 पुट किया। इसके बाद यहाँ पे देखें सबमिट का ऑप्शन आ रहा है, सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर दें। तो यहाँ पे देखें ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल हो गया, आपको रेफरेंस नंबर भी मिल गया है, यहाँ पे आप ओके कर दें। फिर से आप यहाँ पे गेट बैंक अमाउंट पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे देखें मेरे पहले 6000 था वो 5000 रुपीज हो गया है। अब यहाँ पे आप ओके कर दें। इसके बाद आप फिर से चले जाएं थ्री पॉइंट पे और यहाँ पे देखें आपका फंड लिमिट पे क्लिक करेंगे। आप फिर से लिमिट में जाके फंड लिमिट पे, तो यहाँ पे देखें आपका टोटल लिमिट जो है प्लस 390 हो गया, मतलब मेरा जो 610 रुपीज माइनस में था वो मेकअप हो गया है। मैंने जो 1000 रुपीज ऐड किया ये 390 रुपीज मेरा यहाँ पे दिखा रहा है। तो इसके बाद आप इस पैसे का ट्रेडिंग कर सकते हैं जो भी आपका पॉजिटिव है। तो ये बात का आप ध्यान रखेंगे दोस्तों, अगर आपका अमाउंट जो है आपके ब्रोकरेज चार्जेस से कम है तो यहाँ पे आपको माइनस दिखाएगा। घबराने की जरूरत नहीं है, आप पैसे ऐड कर दें और यहाँ पे जो भी आपका माइनस अमाउंट है उसको मेकअप कर लें। तो ऐसे करके आप मेकअप कर सकते हैं और ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं एक्सिस सिक्योरिटीज में। दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं वीडियोज लेके आता रहूंगा इन्फॉर्मेटिव जो आपको हेल्प करेंगे ट्रेडिंग के लिए और कुछ सीखने के लिए। तो यहाँ पे देखें दोस्तों, टोटल एसेट वैल्यू जो था मेरा -644 रुपीज था, वो मैंने मेकअप कर दिया है। ये अभी माइनस इसलिए दिखा रहा है क्योंकि इसका सेटलमेंट हुआ नहीं है। आप एक वन डे वेट कर लें, ये जो है आपको यहाँ पे जीरो दिखाएगा और यहाँ पे जो है आपका टोटल लिमिट जो है वो दिखाने लगेगा आपके फंड्स कितने हैं। तो यहाँ पे आप ऐसे फंड ऐड कर सकते हैं और अपने निगेटिव बैलेंस को जो है पॉजिटिव में कन्वर्ट कर सकते हैं। और घबराने की जरूरत नहीं है, अगर बैलेंस निगेटिव है तो मतलब कोई ना कोई चार्ज आपका गया होगा। उस चार्ज को देखना कहाँ पे है, आपको ट्रेडिंग के बाद आपके मेल आईडी पे कॉन्ट्रैक्ट नोट आता होगा, कॉन्ट्रैक्ट नोट में चले जाएं, वहां पे सारे चार्जेस ब्रोकरेज के साथ और आपका स्टॉक्स किस प्राइस पे बाई है, किस प्राइस पे सेल है, वो सब कुछ लिखा होगा। वहां पे जाके
आप चेक करें, आपको पता चल जाएगा। मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें, और हमारे साथ ऐसे ही बने रहें नए नए वीडियोस के लिए। धन्यवाद दोस्तों।